नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस। आज मैं फर्स्ट टाइम जो है अपने फेस के हेयर्स रिमूव करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने रिमूव किया है, पर वो जो है मैंने यूज़ किया था वैक्सिंग, और वैक्सिंग से क्या हो जाता था मेरे ना, यहाँ पे जब भी मैं करती थी ना तो यहाँ पे छोटे छोटे बम्स आ जाते थे, तो विच आई डोंट लाइक अबाउट वैक्सिंग कि मैंने अपने फुल बॉडी पे भी करवाया था, तब भी मेरे बम्स आ गए थे और फेस पे भी सूट नहीं किया। तो मैंने फेशियल रेजर मंगाया, मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा था इंटरनेट पे फेस शेविंग के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। और मैं बता रही हूँ कितने टाइम से देख रही थी, मेरे को बस एक ही चीज़ का डर था कि मेरे जो उसके बाद फेस शेविंग करने के बाद जो बाल आए वो थिक ना आए, सो मेरे को बस इसी बात का डर था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, लोगों की बातों पे ना मानते हुए मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, और इसका जो है आपको रिज़ल्ट मैं एक मंथ बाद भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या नोटिस किया कि बाल थिक आए या फिर नहीं आए या फिर ये सब मिथ है। सो मैंने ये देख सकते हैं, मैंने ये सिरोना से मंगाया था और ये 2 दिन हो गए हैं आए हुए, मैंने अभी तक इसको खोला भी नहीं है। सो इसको मैं खोल लेती हूँ। ये है सिरोना के फेस रेज़र, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 399 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसके अंदर 4 रेज़र है, और ये पता है मैं बहुत टाइम से जब सर्च कर रही थी अलग अलग जगह की, मतलब सही प्राइस में मिल जाए मेरे को, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ तो मैं इतने पैसे जो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी एक रेज़र के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे ना ऐसे वेबसाइट, जब आप एक ही चीज़ के बारे में काफ़ी जगह सर्च करो ना तो आ जाते हैं, लिंक पे जो है क्लिक किया, फिर मेरे को ये उसके ऑफिशियल सिरोना के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चली गई, फिर वहाँ से मैंने बुक करवा दिया। और इसकी जो है MRP पीछे 399 रुपीज़ दी है, पर ये मैंने 4 रेज़र 99 रुपीज़ में मेरे को मिले। मेरे को डर भी लग रहा था कि पता नहीं, मैंने पेमेंट कर तो दिया, मैं कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती, मैं हमेशा COD ही करती हूँ, तो पर ये आ गए, ये देख सकते हैं 4 जो है कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं। इसके साथ आपको ऐसी कैप भी मिली है जो कि बहुत अच्छी बात है, आप यूज़ करके इसको ऐसी लगा के फिर दोबारा से रख भी सकते हैं। सो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया था, एक्सफोलिएट कर लिया था। आपका जो है फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, नो मेकअप नथिंग। सो मैं अपने पहले जो है हैंड को वॉश कर लेती हूँ एक बारी। मैंने हैंड वॉश कर लिया, मेरे अब हाथ भी क्लियर है। मेक श्योर आपके सारे बाल जो है वो पीछे हों, ताकि आप इन बालों को ना काट दें। इससे पहले मैं अपना जो है वो दिखाना चाह रही हूँ आपको, ग्रोथ, मेरी ग्रोथ सही है काफ़ी, देख सकते हैं। मूछें तो मेरी बहुत आ रही है, मेरे को सब ठोक रहे हैं अपनी मूछें तो बनाने। मैंने कहा रुक जाओ बस कुछ दिन और 8 तारीख को बनाऊंगी। तो मैं ये वाओ का एलोवेरा जेल लगा लूँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ी सी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ा ग्लाइड ऑन करने के लिए रेज़र को, तो मैं लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे जो है छोटा मिरर रखा है, तो मैं स्क्रीन पे देख के नहीं, यहाँ पे देख के करूँगी, कहीं पता चला मैंने खुद को ही काट लिया स्क्रीन में देखने के चक्कर में। तो मैंने अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल लगा लिया है, मैं ये पर्पल वाला यूज़ करूँगी। एक बार आप ना इसको भी साफ़ कर लेना, नया है तो क्या हुआ, साफ़ अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले लेना कि फेस पे जाना है। और मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद पहली बार कर रही हूँ, तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बस मेरे को इतना पता है कि पीछे से हल्के हाथों से 45 डिग्री के एंगल से करना होता है। आई थिंक मेरे को ऑल लगा लेना चाहिए। या मैंने बहुत अच्छी
थिक सी लेयर लगा लिया और थोड़ा सा अपने ना स्किन को स्ट्रेच करके रखा। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। हंसना नहीं है, हंसी आ रही है मुझे, पता नहीं है। सही पकड़ा है ना, ऐसे ही पकड़ते हैं ना। हल्के हाथों से छोटे छोटे स्ट्रोक्स। हम देख सकते हैं अलग ही साफ सा लग रहा है। अपने जो है अपर लिप्स रिमूव करूंगी, जिसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है। बस एक यही पार्ट है अपर लिप्स जो मेरे बहुत ज्यादा ग्लो जाते हैं। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. तो मैं अपने forehead part को नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे उतने बाल नहीं हैं। जो भी मेरे बाल थे यहाँ पे थे और यहाँ पे थे। आज जाते हुए भी मैंने अपना बाल काट लिया। ये सारा गंद जो है मेरे चेहरे पे से निकला, जो मैं इतने सालों से अपने चेहरे पे लेके ढूंढ रही हूँ, और काफ़ी साफ लग रहा है। मैं जल्दी से अपना जो है फेस को वॉश कर लेती हूँ और एलोवेरा जेली लगा लूँगी मैं। मेरे को डर लग रहा है कि मेरे फेस पे जो है बम्स ना निकल जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। आप मेरे बाल देख सकते हैं, यहाँ पे है नहीं, और स्किन बहुत सॉफ्ट स्मूथ सी लग रही है। जैसे आप वैक्सिंग करवाते हैं अपने हाथ में, तब सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ होते हैं। मैं अपना जो है ना हाथ का भी वो शेयर करूँगी। मैंने अपने हाथ में भी थोड़ी देर पहले रेज़र यूज़ किया था और लेग्स पे, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपको ना इसी वन मंथ वीडियो के साथ शेयर करूँगी, फेस रेज़र का भी और हेयर बॉडी रेज़र का भी। सो देख सकते हैं ये क्लियर हो गया है। अब मेरे हेयर नहीं है और बहुत स्मूथ मक्खन सा लग रहा है, और बहुत क्विक था क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनानी थी इसलिए टाइम लगा, वरना ये बहुत क्विक मेथड है। और आप इसके बाद ना एलम भी लगा सकते हैं फिट करी, तो उससे क्या होता है ना आपके फेस की जो है हेयर ग्रोथ कम होने लगती है। सो अच्छे से पोंछ दीजिए और एलोवेरा जेल लगा दीजिए। सो मेरी स्किन देख सकते हैं कितनी साफ लग रही है, बहुत सॉफ्ट लग रही है मुझे। अभी तक तो ऐसा सच कुछ लग नहीं रहा बम्स। ये 24 आवर्स के बाद बम्स निकले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वरना क्लीन करके एयर ड्राई करके उसके बाद ही कैप लगाना। मतलब ऐसी फटाक से धो के मत लगा लेना, वरना ये रस्ट होने लगेगी इसके ऊपर, जो है जंग जमने लगेगा, जो कि आपके फेस के लिए सही नहीं है अगर आप रेजर्स यूज़ करते हो। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताना, और फेस शेविंग कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी कि मोटे बाल ना निकल जाए, कट ना लग जाए, मैं कैसे करूँगी, मेरे को इन सब चीज़ों का बहुत डर था। वन मंथ के बाद आपके साथ मिलूंगी और शेयर करूंगी कि मैंने क्या चेंज देखे। मेरे हेयर जो है वो मोटे निकले, पतले निकले, नॉर्मल निकले जैसे निकलते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।